अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर ऑनलाइन इंग्लिश क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 4। ओपन योर बुक यूनिट नंबर 2, पिप मीट्स अ कॉन्वेक्ट, पेज नंबर 14। यहाँ पे हमने इसके वर्ड्स मीनिंग, इसके टाइटल को डिस्कस कर लिया था अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर और हमने इसको पेज नंबर 15 तक रीड आउट किया था। अब हम मूव करते हैं पेज नंबर 16 की तरफ। पेज नंबर 15 तक हम अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, जहाँ पे हम लोगों ने रीड आउट किया था कि जो कन्विक्ट है वो पूछ रहा है पिप से कि तुम्हारे पेरेंट्स जो हैं वो कहाँ पे हैं। सो उसने टॉमस्टोन की तरफ इशारा करते हुए कहा था, यानी कि वो उनको बता उसको बताना चाह रहा था कि वो वफात पा चुके हैं। नेक्स्ट इनके दरमियान क्या कन्वर्सेशन हुई उसको रीड आउट करते हैं पेज नंबर 16 से। ओ सेड द मैन, ओ आदमी ने कहा, सो हु डू यू लिव विद, तो तुम किसके साथ रहते हो। इफ़ आई लेट यू लिव, अगर मैं तुम्हें ज़िंदा रहने दूँ। विच आई हैवंट मेड अप माई माइंड अबाउट, यानी कि मैं अपना जहन जो है वो किसके मुताबिक, यानी कि जिसके बारे में मैं फ़ैसला कर सकूँ अगर मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूँ तो। माई सिस्टर, सर मेरी बहन जनाब, मिसिस जो गर्जी, यानी कि जिसकी सिस्टर का नाम जो है वो मिसिस जो गर्जी है, एंड वाइफ ऑफ जो गर्जी, यानी कि जो उसके हस्बैंड का नाम है वो है जो गर्जी। द ब्लैक स्मिथ सर, यानी कि वो लोहार है जनाब। ब्लैक स्मिथ सेड ही, यानी कि ब्लैक स्मिथ के बारे में वो अपना यहाँ पे इरिटेशन को शो करते हुए कह रहा है, यानी कि लोहार के बारे में उसने कहा। एंड लुक डाउन एट हिज लेग, और उसने अपनी टांग की तरफ नीचे, टांग को नीचे की तरफ देखा। आफ्टर लुकिंग एट हिज लेग, अपनी टांग को देखने के बाद, एंड मी, और मुझे, सेवरल टाइम्स, कई मरतबा, ही टुक मी बाय बोथ आर्म, उसने मुझे दोनों बाजुओं से पकड़ लिया। एंड टिल्टेड मी बैक एज फार एज ही कुड होल्ड मी, और उसने मुझे ज़ोर से दबोचे रखा इतना कि वो जितने देर तक दबा सकता था। देन ही स्टेयर्ड इन टू माई आइज़, और उसने फिर मेरी आंखों में घूरना शुरू कर दिया। नाउ लुक हेयर, अब यहाँ देखो, ही सेड, उसने कहा, आई नीड टू डिसाइड इफ़ आई लेट यू लिव, मुझे फैसला करना होगा कि अगर मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूँ। डू यू नो वट अ फाइल इज़, तो तुम क्या जानते हो कि रेती क्या होती है। यहाँ पे फाइल जो है वो रेती है, यानी कि एक ऐसा औजार जिससे ज़मीन में से जो वो मिट्टी जो है वो खोद के बाहर निकाली जाती है। यस सर, जी हाँ जनाब। एंड यू नो वट ग्रब इज़, और तुम क्या जानते हो कि खुराक क्या है। ग्रब कहते हैं खुराक को। यस सर, जी हाँ जनाब। After each question, he tilted me over a little more. हर सवाल के बाद वो मुझे कुछ और, यानी कि थोड़ा और दबोचता जा रहा था। This made me feel helpless, और इसने मुझे यानी कि बेयारो मददगार जो है वो महसूस करवाया। I was in danger, मैं खतरे में था। You get me a file, तुम मुझे एक रेती दो। He tilted me again, उसने मुझे दोबारा जो है वो यानी कि नीचे की तरफ झुकाया। एंड यू गेट मी ग्रब, और तुम मुझे खुराक दो। ही टिल्टेड मी अगेन, उसने मुझे दोबारा झुकाया। यू ब्रिंग देम बोथ टू मी, तुम्हें ये दोनों मेरे लिए लाने होंगे। ही टिल्टेड मी अगेन, और उसने मुझे दोबारा नीचे की तरफ झुका दिया। और आई विल हैव योर हार्ट और अ लीवर आउट, वरना मैं तुम्हारा दिल और तुम्हारा जिगर जो है वो बाहर निकाल दूंगा। ही टिल्टेड मी अगेन, और उसने मुझे दोबारा नीचे की तरफ झुका दिया। आई वॉज ड्रेडफुली फ्राइटेंड, मैं शदीद खौफज़दा था। एंड होप, और उम्मीद कर रहा था, डैट ही वुड नॉट ड्रॉप मी, कि वो मुझे नहीं गिराएगा। आई क्लंग टू हिम विद बोथ हैंड्स, मैं दोनों यानी कि उसके दोनों हाथों से उसको जकड़ लिया। ही डिप्ड मी बैकवर्ड्स, और उसने मुझे पीछे की तरफ गिराया। एंड रोल्ड मी राउंड, और उसने मुझे घुमाया यानी कि गोल घुमाया। सो डैट द चर्च सीम टू जम्प ओवर इट्स ओन वेदर कोक, यानी कि इस तरह से लग रहा था कि जैसे जो चर्च है वो जो वेदर कोक है, यानी कि मूर्त बागनुमा जो साइन उसका वो बना हुआ उसके ऊपर गिरा दिया। देन उसके बाद स्टिल होल्डिंग मी अप, उसने मुझे फिर पकड़ लिया। ऑन द टॉमस्टोन कुतबे पर, ही वेंट ऑन, और वो चला गया। सॉरी, ही वेंट ऑन मीन्स, यानी कि उसने अपनी बात जो है वो आगे जारी की। यहाँ पे ये इन्वर्टेड कॉमा में जहाँ तक उसकी बात, यानी कि जहाँ से स्टार्ट हो रही है,
सो यहाँ पे सारा जो है वो कन्विक्ट का जो है वो कन्वर्सेशन के बारे में, इनके जो कन्विक्ट बयान कर रहा है यहाँ से वो डायलॉग उसका स्टार्ट हो रहा है। अर्ली टमोरो मॉर्निंग, कल सुबह, ब्रिंग डेड फाइल एंड द ग्रब, वो खुराक और रेती लेकर आना। यू ब्रिंग द लॉ टू मी, और उसको तुम्हें मुझे देना है। एंड एट दैट ओल्ड बैटरी ओवर देयर, यानी कि उस किले के पास आकर उसने उसको दो चीज़ें देनी हैं, फाइल और उसका ग्रब, यानी कि रेती और खुराक। इफ़ यू डू इट, अगर तुम ऐसा करोगे, एंड यू डोंट से अ वर्ड अबाउट मी, और तुम किसी को मेरे बारे में कुछ नहीं बताओगे, आई विल लेट यू लिव, मैं तुम्हें ज़िंदा रहने दूँगा। इफ़ यू फेल, और अगर तुम नाकाम हो गए, और से एनीथिंग एट इट एट ऑल अबाउट मी, और अगर किसी को मेरे बारे में तुमने बताया, देन योर हार्ट एंड योर लिवर शेल बी टोन आउट, तो मैं तुम्हारा दिल और तुम्हारा जिगर जो है वो बाहर निकाल के तोड़ दूँगा, रोस्टेड और उसको पका लूँगा, एंड ईटन और उसके खा लूँगा। नाउ आई एम नॉट अलोन, नहीं अब मैं अकेला नहीं हूँ। देर इज़ अ यंग मैन हाइडिंग विद मी, यहाँ पे एक और भी नौजवान है जो मेरे साथ छुपा हुआ है। इन कंपेरिजन विद हिम, अपने साथ मुवाजना करते हुए, आई एम एन एंजल, वो उसको कह रहा है, यानी कि आई एम एन एंजल, मैं एक फरिश्ता हूँ। सो राइट ऑन द डे एंड द डेट हियर, पेज नंबर 16 भी जितनी रीडिंग की है उसके हम लोग वर्ड्स मीनिंग को साथ साथ देखते हैं। लुक डाउन, नीचे देखना, सेवरल टाइम्स, कई मरतबा, टिल्टेड, झुकाना, डिसाइड, फैसला करना, ग्रब, खुराक, हेल्पलेस, बेबस या बेमददगार, डेंजर, खतरा, हार्ट, दिल, लीवर, कलेजा, ड्रेडफुली, खौफ खाकर, फ्राइटेंड, डर जाना, होप, उम्मीद, ड्रॉप, गिराना, क्लंग, जकड़ रखना, डिप्ड, गिराना, बैकवर्ड, पीछे, सीम्ड, जाहिर होना या महसूस होना, जंप ओवर, ऊपर कूदना, वेदर कॉक, मुड बागनुमा, होल्डिंग, पकड़े रखना, बैटरी, किला, फेल, नाकाम, टोन आउट, तोड़ देना या चीर देना, रोस्टेड, भुना हुआ, ईटन, खाया, हाइडिंग, छुपाना, कंपैरिजन, मुवाजना करना, एंजल, फरिश्ता, फाइल, रेती। हेयर आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस, राइट ऑन द डे एंड द डेट एट पेज नंबर 16, पेज नंबर 17 वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।